हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, अभी सुबह के 5:30 बजे और मैं उठ गई हूँ। आज मुझे ना हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मेरा एंटी स्कैन होना है ना। और थोड़ी सी बिटिया की भी तबीयत नहीं सही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। बिटिया की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरा एंटी स्कैन होना है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से डेट मिली थी ना, तो आज ही होना है। चल रही हूँ मैं, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, काम करूँगी घर का, झाड़ू लगा के नहाना वहाना, इसके बाद मंदिर जाऊँगी। मंदिर जाके आऊँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी। भोलेनाथ जाने कैसे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मनु की तबीयत ठीक नहीं लग रही ना, अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। बड़ी दिक्कत लग रही है ये चीज़। मैं जाऊंगी, मुझे 4-5 बजे बच जाएंगे हॉस्पिटल में, वो रहेगी कैसे अकेले। भगवान जाने, घर में बच्ची की तबीयत ना खराब हो ना, 4-5 दिन से उसको पता नहीं क्या है। एक तो हस्बैंड ने बाहर की चीज़ें बहुत खिलाती हैं उसे, और बाहर की चीज़ें उसे बहुत नुकसान करती हैं। उसको हस्बैंड ने ना सुबह सुबह उसको हस्बैंड जो है क्या बोलते हैं डेली चॉकलेट 40-40 वाला खिलाते रहे, और उसके पेट में हो गया इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन हो रहा है इतना ज़्यादा। और डॉक्टर को दिखा रहे हैं बच्चों के, वो कहते हैं 1 दिन में 2 दिन में कंट्रोल नहीं होगा, डेली चल रहा है, डेली दवाई दो जो है कह रहे 2-4 दिन का टाइम लगेगा। इसी में लगी पड़ी है। चलिए मैं चलती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। तुम्हारे पतिदेव क्या कह रहे हैं? जिसका कोई नहीं होता ना उसका भोलेनाथ होते हैं। मुझे अपने बाबा पूरा भरोसा है, देखो हमारे भोलेनाथ सब कुछ अच्छा करेंगे। थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं लेकिन ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान ना हो। मैं दोस्तों में बाद में मिलती हूँ, मैं फिर हॉस्पिटल से आती फिर मिलती हूँ।